King should resign because the Supreme Court has said the Mumbai police has to cooperate with the Central Bureau of Investigation now. युवराज सिंह भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है. आपकी टीआरपी तो नहीं खराब हो गई? It's big fight of Avenger TV. Please take it out. What did you call? Hindu mob burning Muslim houses. You know, these are facts. भारत में काफी मुद्दे सुर्खियों में रहते हैं और इन्हीं में से कुछ मुद्दे जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहे हम आपको वो पहले दिखाने जा रहे हैं. इस हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया. ये मुद्दा पिछले काफी समय से सुर्खियों में था और इसकी मांग पिछले काफी दिनों से अर्नब कर रहे थे. पहले देखिए कि अर्नब का रिएक्शन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट सेज द सीबीआई इज डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट व्यूअर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड द सीबीआई इज डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट ब्रेकिंग न्यूज आई थिंक वी गॉट इट फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इट्स डन विद देम इट्स डन इट्स सीबीआई फॉर एसएसआर विद देम टेल अस मोर I want to add here, Parambir Singh should resign because the Supreme Court has said the Mumbai police has to cooperate with the Central Bureau of Investigation now. That is a clear statement that is coming from the Mumbai police. The Mumbai police has been told, I would say warned by the Supreme Court of India to cooperate with the CBI. Big moment, congratulations to all. Priyanka, to you, Pratibha, to all of us, Swapnil. This is an incredible moment in our country's history and we have more updates. अर्नब की खुशी कुछ वैसी ही है जैसे भारत ने आजादी पाली हो. अगर वह जनता की मुश्किलों को हल करवा कर इतने खुश होते तो शायद जनता में उम्मीद की किरण दिखती. अर्नब सुशांत के केस को एक मुहिम के तौर पर रोज डिबेट कर रहे थे और मुंबई पुलिस पर निशाना साध रहे थे. आगे बढ़ते हैं. इस हफ्ते महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है. एमएस धोनी को कौन खेलता हुआ देखना नहीं चाहता. हर कोई एमएस धोनी के खेल का दीवाना है. मीडिया में भी धोनी की रिटायरमेंट का मुद्दा सुर्खियों बटोरता रहा. इसी मुद्दे पर गोदी मीडिया के साथ हुए एक मजाक का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है. पहले आप ये वीडियो देखिए. आईसीसी की सारी ट्रॉफियां जिस एकमात्र कप्तान के नाम पर हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी. युवराज सिंह भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है. युवराज, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला ये पल है. दुनिया के महानतम क्रिकेटर्स में से एक जो क्रिकेट को अलविदा कहते हैं. मैं तो युवराज सिंह बोल ही नहीं रहा, आप गलत कुत्ते बोले आए. मेरे बहुत मजा आया. कौन सा शो है मैं भी देखूंगा बाद में. आपकी टीआरपी तो नहीं खराब हो गई? चलिए आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय. ये वीडियो जी न्यूज का है जब वे धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बड़ी हस्तियों से बात कर रहे थे. अब बात करते हैं दीपक चौरसिया की डिबेट को लेकर. इस बार ये डिबेट उन्होंने होस्ट नहीं की बल्कि वे खुद ही गेस्ट बनकर एनडीटीवी के शो में डिबेट के लिए पहुंचे. इस डिबेट में भी दीपक ने वही करने की कोशिश की जो वो अपने शो में करते हैं, कम्युनल एंगल लाने की कोशिश. इट्स जस्ट दैट यू आर कम्पीटिंग विद रियलिटी टीवी एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर अवेयर ऑफ इट बाय द वे. Well, Abhinandan is very too much generalizing it. Let me remind you, 2002 debates, big fights of Avenger TV. Please take it out. What did you call? Hindu mob burning Muslim houses. You know, these are facts. Sanket, you are a new joinee to NDTV. Please watch out old archives of NDTV about 2002 Gujarat, right? You will find the reasonable debate solution. So, you know, that time it was convenient to some people. If I'm calling Bangalore rights, you know, I have not abused anyone on television. Yes, people have abused me. Is the responsibility not on the anchor? If there's someone who's abusive on my show, I will cut that person off. I will make sure that this voice is not heard. दीपक अपनी डिबेट में तो ऐसा करते ही हैं, हिंदू मुस्लिम और गेस्ट को भड़काने की कोशिश. पर किसी और चैनल के डिबेट में ऐसा करना गलत है. डिबेट का स्तर कम्युनल नहीं होना चाहिए. अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी एक और वीडियो की. न्यूज 18 पर सुशांत के मुद्दे पर डिबेट चल रही थी. इस डिबेट में रिया चक्रवर्ती की स्विमिंग करने की क्लिप शुरू हो गई. उसके बाद जानकारी आई के 25 फरवरी को और 20 फरवरी को एक कंप्लेंट थी. उस कंप्लेंट में लिखा था एक आईपीएस ऑफिसर ने एक डीसीपी को कि लाइफ इज एट रिस्क.
और उस कंप्लेंट में कुछ लोगों के नाम लिए गए। 14 जून को उस कंप्लेंट में जो डाउट था वो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है और जान चली जाती है, लाइफ इज एट रिस्क जो बात थी वो लाइफ अनफॉर्चुनेटली खो देते हैं। उसके बाद भी क्या एक FIR दर्ज होती है? आंसर सारी जनता जानती है, नहीं। दूसरी बात, मैंने मुंबई पुलिस को लिखा था 15 जुलाई को कि आप कम से कम इस केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फोन तो सीज कीजिए, देखिए फोन्स में क्या है। आज ED ने फोन सीज किया है, लैपटॉप सीज किया है 11 अगस्त को। लगता है चैनल को TRP की सख्त जरूरत थी, शायद इसलिए ऐसा किया गया हो, वरना कौन मांगता है इस तरह से इंसाफ। अब बात करते हैं आज तक पर हुई डिबेट की। आज तक पर राम के नाम पर हो रही सियासत के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में BJP नेता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच बहस हुई। जब भदौरिया ने UP में हो रही घटनाओं पर BJP नेता से सवाल किए, तभी एंकर ने उन्हें ही रोकने की कोशिश की। मैं उत्तर प्रदेश का हूं। BP किसका बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या हुआ? खीरी के बच्ची BP किसका बढ़ता हुआ दिख रहा है? बच्ची के साथ क्या हुआ? आजमगढ़ की बच्ची के साथ क्या हुआ? आगरा की बच्ची के साथ क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? नहीं बोल पा गया। मगर हमारा खड़ी नेता ये नहीं कह रहा है आज के बाबा का संघर्ष हो जाती है। अच्छा सुनिए सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप इस तरह BP बढ़ा के बोलने के लिए नहीं जाने जाते। नंबर लड़कियों के नंबर अनुराग जी एलिमेंट को एक सेकंड सुधांशु जी, अनुराग जी, मेरा दोनों से निवेदन है, मेरा दोनों से अपराध हो रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ा के मत बोलिए, आराम आराम से बोलिए तब भी सुनाई देगा। भदौरिया जी, भदौरिया जी, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट जाएंगे आज। भदौरिया जी, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट जाएंगे आज। थोड़ा आराम, कोई दिक्कत नहीं। अभय दुबे की बात रह गई, वो बड़ी देर से वेट कर। ऐसे कोई ना कोई मुद्दे हर रोज सुर्खियों में रहते ही हैं। अहम होती है मीडिया की भूमिका कि वह इसको किस तरह से दर्शकों को पेश करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि देश में चल रहे असल मुद्दे, जिनका ताल्लुकात जनता की आमदनी से रहता है, उस पर भी मीडिया ध्यान दे और सरकार से सवाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।